हेलो पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास फर्स्ट क्लास। तो गाइस हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वीक 4 में आए मिशन के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए आरपी में जाके मैं आपको मिशन दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आरपी में, और आरपी में गाइस मिशन के अंदर, और यहाँ पे मिशन में चैलेंज मिशन में वीक 4 में हमारा एक मिशन है ओपन 3 एयरड्रॉप। तो गाइस हम लोगों को 3 एयरड्रॉप ओपन करने हैं और इसके हम लोगों को 75 आरपी पॉइंट मिलने वाले हैं। तो दो बार यहाँ पे मेरा मिशन हो चुका है, अब एक बार मैं आपको गेम के अंदर करके दिखा देती हूँ। तो गाइस इसके लिए आप लोग कोई भी मोड में गेम खेल सकते हो, क्लासिक आर्केड कुछ किसी में भी खेल सकते हो। मैंने सिंपली यहाँ पे क्लासिक लगा के गेम को स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस गेम स्टार्ट होने से लेकर जब तक मैं ज़मीन पे लैंड नहीं कर लेती वहाँ तक का वीडियो मैंने यहाँ पे फास्ट कर दिया है, जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट भी ना हो और जल्दी से मैं आप लोगों को इस मिशन के लिए बहुत इजी ट्रिक बता सकूँ। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग इस मिशन को बहुत जल्दी कर लो, एक ही गेम में आप लोग 3 और एयरड्रॉप ओपन कर लो, तो आप लोगों को सिंपली रोड पे कोई भी गाड़ी आपको ले लेनी है। देखिए यहाँ पे मैं रोड के पास एक गाड़ी के पास मैंने यहाँ पे लैंड कर लिया है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फाइट नहीं ले रही, सिंपली मैं आप लोगों को ड्रॉप लूट के ही दिखा देती हूँ, ठीक है गाइस? तो गाइस गाड़ी मिलने के बाद आप लोगों को गाड़ी लेके कोई पहाड़ी के साइड चले जाना है। तो कोई बड़ी सी पहाड़ी आप लोगों के ध्यान में हो वैसी पहाड़ी पे आप लोग चले जाना। तो उससे होगा क्या कि अगर प्लेन आगे आता है, प्लेन कहीं किसी भी तरफ से किसी भी डायरेक्शन से अगर प्लेन आता है तो आप लोगों को वो प्लेन बहुत ही जल्दी दिख जाएगा। तो यहाँ पे जॉर्ज पुल की पहाड़ी है जो बहुत बड़ी है, तो वो पहाड़ी पे मैं जा रही हूँ, वहाँ तक का वीडियो मैंने यहाँ पे फास्ट कर दिया है। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैं जो जॉर्ज पुल की पहाड़ी है वहाँ पे जा रही हूँ। तो आप भी ऐसी कोई बड़ी पहाड़ी ऊंचे लोकेशन पे चले जाना जहाँ से आपको प्लेन आराम से दिख जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं जॉर्ज पुल की पहाड़ी पे आ चुकी हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मैं इधर उधर होके देखती हूँ कि किस कहीं से कौन सी साइड से ड्रॉप आता है। तो गाइस क्या होता है, फर्स्ट जो हमारा जोन होता है ना वो 4 मिनट तक का टाइम लेता है। 4 मिनट तक जोन हमारा स्टार्ट होता है, तो 4 मिनट के जैसे ही ख़त्म होती है और जोन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद प्लेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को फर्स्ट वाला ड्रॉप लूट लेना है, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप में क्या होता है गाइस कि स्टार्टिंग में जब गेम स्टार्ट होती है तो ज़्यादातर बंदे फाइट लेने लग जाते हैं, अपने लिए गन वन सर्च करने लग जाते हैं। ऐसे टाइम में फर्स्ट वाला ड्रॉप कोई नहीं लूटता, इसलिए आपको फर्स्ट वाला ड्रॉप लूटना है। देखिए सामने से एक प्लेन आता हुआ दिख रहा है मुझे, तो वो प्लेन देखिए मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो अब गाड़ी लेके मैं प्लेन के पीछा करती हूँ, यहाँ से प्लेन के साइड में चली जाती हूँ। तो मुझे लग रहा है इधर से प्लेन जो है वो देखिए सामने जा रहा है उधर की ओर, तो शायद वो शूटिंग रेंज के साइड जा रहा है। तो चले मैं यहाँ से प्लेन के पीछे चलती हूँ। तो आप लोग जैसे ही गाइस जैसी बड़ी सी पहाड़ी पे आ जाओगे तो आप लोगों को प्लेन बहुत ही आराम से और जल्दी से दिख जाएगा, इसीलिए मैंने आपको ये बोला है। तो गाइस अगर स्टार्टिंग का फर्स्ट ड्रॉप आप लोग लूट लोगे उसके बाद 2 ड्रॉप आप लोग और एक ही गेम में लूट सकोगे। तो फर्स्ट ड्रॉप पे किसी का ध्यान नहीं होता, तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादातर फर्स्ट ड्रॉप लूटने का ट्राई करना। तो गाइस वीक 4 में अगर किसी भी मिशन में आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी मिशन आप लोग बहुत इजी ट्रिक से और जल्दी से कंप्लीट करना चाहते हो तो आप लोग सिंपली मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख लेना, मैंने बहुत इजी ट्रिक से सारे मिशन कंप्लीट किए हैं। तो वो सारे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो देखिए गाइस इधर के साइड मुझे ड्रॉप दिखा था, तो इधर मैं आई हूँ, मुझे रेत धुआ भी इधर के साइड दिखा था, तो वो ड्रॉप पानी के अंदर हुआ है। तो मैं आप लोगों को वो ड्रॉप लूट के दिखा देती हूँ। देखिए वो सामने आप लोगों को, यहाँ पे डे नाइट की मैच थी, मुझे पता नहीं था इसलिए अभी देखिए थोड़े से धुंधले स्किन दिख रही है आप लोगों को। अभी नाइट भी हो गई है तो वहाँ पे पानी में मुझे ड्रॉप दिखा है, तो वो ड्रॉप मैं आपको लूट के दिखाती हूँ। तो गाइज़ वो ड्रॉप दूर है इसलिए यहाँ पे ड्रॉप तक पहुँचने का वीडियो भी मैंने वापस फास्ट कर लिया है। तो देख लीजिए गाइज़ ये ड्रॉप यहाँ पे
पानी के अंदर पड़ा है। तो चले मैं आप लोगों को इसको लूट के दिखा देती हूँ। तो गैस चले मैं आप लोगों को ये जो ड्रॉप यहाँ पे हुआ है उसको लूट के ही दिखाती हूँ। तो गैस मुझे पता है ये फर्स्ट वाला ही ड्रॉप है, तो इसीलिए इस ड्रॉप को अभी किसी ने भी लूटा नहीं होगा। तो चलिए इस ड्रॉप को मैं जल्दी से लूट लेती हूँ। तो गैस ड्रॉप लूटने के टाइम पर भी आप लोगों को यहाँ पर एक बात नोटिस रखनी है कि ड्रॉप किसी और ने लूटा ना हो। अगर ड्रॉप पहले से ही किसी और ने लूट लिया होगा, उसके बाद भी अगर आप लोग इस ड्रॉप को ओपन करते हो तो आपका मिशन नहीं गिना जाएगा। फर्स्ट हुई आपको ड्रॉप ओपन करना है। ड्रॉप ओपन करने वाले आपको फर्स्ट पर्सन बनना है। अगर पहले ही आपने ड्रॉप ओपन कर लिया तभी आपका ये मिशन गिना जाएगा। और मिशन अगर ड्रॉप पहले से लूटा हुआ है तो आपका वो मिशन नहीं गिना जाएगा। ठीक है, भले ड्रॉप में फिर आप लोग कोई भी चीज़ उठाओ, लेकिन एक बार किसी और ने ड्रॉप ओपन कर लिया फिर आप ओपन करोगे तो मिशन नहीं गिना जाएगा। तो चले गाइस यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे ड्रॉप से मिली है वो आप लोगों को मैं बाहर जाके भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो गाइस मैं मेरे वीडियो में बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैं पानी से बाहर आ चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ पे MK14 मिली है। उसके बाद थर्ड लेवल वेस्ट, हेलमेट, ये सब मुझे यहाँ पे इसके अंदर से मिला है। ठीक है गाइस, तो चले गाइस यहाँ पे मैंने एनिमी तो एक मारा था वहाँ पे, लेकिन मुझे उसके पास ग्रेनेड नहीं मिला था। तो अब यहाँ पे पानी वाला ही लोकेशन है, तो पानी में ही मैं यहाँ पे गिर के मर जाती हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे चले मैं पानी में चली जाती हूँ। तो गाइस पानी में जाने के बाद पानी मरने तक का वीडियो मैंने यहाँ पे वापस फास्ट कर दिया है, क्योंकि पानी में मरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चले गाइस यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, पानी के अंदर मैं मर चुकी हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे देख लीजिए मेरी गेम भी कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस मैंने मेरा तो एक ही एयरड्रॉप ओपन करना था, मैंने आपको वो करके दिखा दिया है, लेकिन अगर चाहो तो मेरी ट्रिक से आप लोग एक ही गेम के अंदर 3 एयरड्रॉप ओपन कर सकते हो। तो गाइस अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए आरपी में मिशन के अंदर चैलेंज मिशन में जो वीक 4 में हमारा मिशन था ओपन 3 एयरड्रॉप, वो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है और इसके मुझे 75 आरपी पॉइंट मिल चुके हैं। तो चले गाइस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और गाइस आप लोगों के मिशन कराने में ये वीडियो ने अगर थोड़ी भी आप लोगों की हेल्प की हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।